Hello friends, so this tutorial is regarding the notification और इसमें कल जो नोटिस था जो 21 सितंबर को मैंने बनाया था उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन है, कुछ एरेटा है, एरर है, तो उसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी और काफ़ी बच्चों ने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था और थैंक्स फॉर देयर वैल्यूएबल कमेंट कि हम लोग उसको सही पे पहुंच पाए और ये जो हम गलती जो कर रहे थे, तो थैंक्स फॉर दैट। और ये मैं फिर से बता देता हूँ, एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर 10+2 स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 10+2 कैटेगरी से जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए ही है ये, तो वही इसको देखें, उनके मतलब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कल दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो स्टूडेंट्स 10+2 के हैं उनके साथ में एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन है चूज़ करने का था, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज़ करने का था, ठीक है, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपको चूज़ करने का था, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा था, इसमें मैंने जो आपसे पहले कहा था कि आप 12th का मतलब 10+2 आपका जो है उसका सिलेबस भी आएगा आपका CBSE बोर्ड वाला, और इसमें आपसे फिजिक्स और मैथ्स पूछेगा, फिजिक्स और मैथ्स इसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या आपको तर्क दिया था, इसमें मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ, इसमें ये लिखा था कि फर्दर कंसिडरिंग दैट फॉर सर्टेन पोस्ट द प्रीस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज इन HSC इन मैथ्स एंड फिजिक्स, द RRB हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक अवेलेबल मैथ्स एंड फिजिक्स एज एन एग्जाम ट्रेड विद सिलेबस ऑफ CBSE फॉर HSC फॉर सिलेबस फॉर CBSE फॉर HSC ओवर एंड अबव द रिलेवेंट ट्रेड्स मैंशनड इन द नोटिफिकेशन फॉर सच कैंडिडेट्स, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनने कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये आपकी जो ट्रेड है ये चीज़ प्लस आपकी जो 10+2 का मतलब CBSE का जो सिलेबस है वो, तो आप ये बोल रहे थे कि दोनों मिक्स आएगा क्या, तो इसमें दोनों मिक्स नहीं आएगा। इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें ये बात कही गई है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझको कन्फ्यूज़न हुआ था, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैथ्स एंड फिजिक्स एज एन एग्ज़ाम ट्रेड की बात कही गई है, मैथ्स एंड फिजिक्स एज एन एग्ज़ाम ट्रेड, मैथ एंड फिजिक्स को एज एन एग्ज़ाम ट्रेड उन्होंने एक और कैटेगरी उसको बना दी है। फिर नेक्स्ट है विथ सिलेबस ऑफ CBSE फॉर HSC, CBSE का सिलेबस उसमें आएगा HSC का, 10+2 हो गया, ओवर एंड अबाव, अब ओवर एंड अबाव का मतलब तो ये है इन एडिशन टू, ओवर एंड अबाव का मतलब क्या है, ओवर एंड अबाव का मतलब तो इन एडिशन टू है, वो हम लोग सही पढ़ रहे हैं, ओवर एंड अबाव मतलब इसके अतिरिक्त या फिर इन एडिशन टू द रिलेवेंट ट्रेड्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन फॉर सच कैंडिडेट्स, मतलब जो रिलेवेंट ट्रेड थी जैसे इलेक्ट्रिशियन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपने सेलेक्ट करी थी 10+2, उसके एक्स्ट्रा उसके साथ साथ में ये भी आपको एग्जाम ट्रेड दी गई है। अब इसमें दो बात हो गई थी कि या तो ये कि भाई आपकी सिलेबस और ट्रेड, तो यहाँ पे ये है कि आपको कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये एक तो ये ट्रेड आपने सेलेक्ट कर ली इलेक्ट्रिशियन, एक आपने सेलेक्ट कर ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आप एक और चीज़ चूज़ कर सकते हो, अब आप 10+2 भी आप चेंज चूज़ कर सकते हो, और इसका जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिशियन से संबंध नहीं रखता, अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंध नहीं रखता, क्योंकि इसका सिलेबस हमने बता दिया CBSE फॉर HSC, CBSE जो है उसका वो पूछा जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो हमको कन्फ्यूज़न हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर एंड अबाव द रिलेवेंट ट्रेड्स मेंशन इन द नोटिफिकेशन, अब ये ओवर एंड अबाव के इधर अगर यहाँ पे अगर सिलेबस लिखा रहता तब तो वाली बात सही थी जो मैंने आपसे कहा था, ओवर एंड अबाव का मतलब हो जाता ओवर एंड अबाव द सिलेबस ऑफ द रिलेवेंट ट्रेड, मतलब रिलेवेंट ट्रेड का जो सिलेबस है जैसे इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है उससे एक्स्ट्रा पढ़ना था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है ओवर एंड अबाव द रिलेवेंट ट्रेड, यहाँ पे सिलेबस वर्ड नहीं है,
मतलब कि ये जो रिलेवेंट ट्रेड है इसके साथ एक और एग्जाम ट्रेड उन्होंने जोड़ी है और जिसका जो सिलेबस है वो एसएससी का है। अब यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेरे ख्याल से कॉमा या फिर फुल स्टॉप समथिंग होता तो अच्छा रहता, पर वो इस प्रकार से चीज़ों को मिल गई, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको रेक्टिफिकेशन करें। जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10+2 के जो स्टूडेंट्स हैं, वो समझे इस बात को कि अब आपका जो कोर्स है इसमें वो आप अच्छा, ये भी नहीं है कि जो अगर आपने 10+2 करी है, ये भी आप देखो ध्यान बात ये भी है। एक और बात और बता दूं मैं, इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर 10+2 अगर आपने की है, अगर आपने 10+2 करी है तो कंपलसरी हो गया है आपके साथ में कि आपको 10+2 का ही एग्ज़ाम ट्रेड सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? अब कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 10+2 आप हो तो 10+2 वाली कैटेगरी ही आपको सेलेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में और भी आपके पास में चॉइसेस थी 10+2 के लिए, जो रिलेवेंट ट्रेड के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रिशियन थी उसमें वन ऑफ देम, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थी तो वो भी है। अब देखो दोस्तों, फैसला आपको करना है। अब आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको कंफर्टेबल हो आप 11, 12 के फिजिक्स और मैथ्स के सिलेबस से, ठीक है, तब तो वो कर लो। और आपको लगता है नहीं यार, DGET का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा, वो कम है या फिर कम चैप्टर्स है या फिर उसमें वो चीज़ें कम हैं, तो आप कर लो ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? या तो आप कर लो फिजिक्स मैथ्स वाला कर लो, या तो अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप अगर आपको लगता है आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है वो ITI लेवल का, वो करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, तो वो सीट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अभी इस बात को समझना है। तो आप एक बार सिलेबस निकाल के देख लो, आप खुद देख लो। मेन बात यह है कि आप किससे कंफर्टेबल हो। अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल है तो ये कर लो 10+2। अगर इस चीज़ से कंफर्टेबल है इलेक्ट्रिशियन से, इलेक्ट्रिशियन ले लो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से कंफर्टेबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ले लो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई सारी बातें मेरी। तो इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन था, तो अच्छा हुआ ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे बात क्या गई है, ओवर एंड अबाउ द रिलेवेंट ट्रेड, मतलब वो जो ट्रेड है उसमें तो सिलेक्शन है ही आपका, पर 10+2 को भी आप एज आ सेलेक्ट कर सकते हो, ये इसमें मतलब बॉटम लाइन है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखो ऐसा है कि चीज़ें डिस्कस करके ही होती है, ऐसे नहीं है कि भाई मैंने जो बोल दिया एकदम सही है या फिर हमेशा ही सही है, ऐसा नहीं है। हम पूरा अपना प्रयास करते हैं, पर कभी कल क्या एकदम से नोटिफिकेशन निकला, फिर हमने उसको वीडियो बनाया, बहुत सारी बातें सही बोली पर एक बात थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें, तो हमने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया। और हम थ्योरी प्रैक्टिकल में यही है, हम ये चाहते हैं कि अगर मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, फटाफट उसको रेक्टिफाई करें जिससे कि स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। और हमारी जो वेबसाइट है और जो इन्फॉर्मेशन के लिए, आप हमारी वेबसाइट में जाना, वहाँ पर theory2practical.com ज़रूर आप एक बार विज़िट करें। वहाँ पर इससे रिलेटेड जो स्टडी नोट्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट चीज़ जो थ्योरी प्रैक्टिकल करा रही है, उसको आप डेफिनेटली उसका बेनिफिट लें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर कमेंट कर दो अगर अभी भी कोई डाउट है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।